आपको दिखाई जा रही है, हमारा चैनल है शारदा डैम है, जो शारदा नदी के बगल में बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी वाला डैम है। इसकी लेंथ लंबाई मतलब पंची होगी 22.2, मतलब 22 किलोमीटर लंबा ये डैम है। और इस डैम के अंदर आपकी मछलियाँ जिनका ठेका होता है, और आपके सामने देखिए क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ यहाँ पे इस समय आराम कर रहे हैं ऊपर। और काफ़ी विशाल ये डैम है, और हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। ये उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में पड़ता है, और बहुत अच्छी जगह है। अगर आपको समय मिले तो यहाँ पे आइए, घूमिए और एंजॉय करिए, बहुत अच्छी जगह है। और हमारे जो मित्र लोग थे, हमारे मुकेश भाई, रविंद्र भैया, अभय भैया और मनीष भैया, जो हम यहाँ लेके आए और आपको एक वीडियो दिखाई, मैंने दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी जगह फ्रेंड्स। और एक आपसे गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है रॉयल यू का खाना बाकी वाले, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह जो आपके हिडन प्लेसेस हैं उसको दिखाएंगे और साथ में इंजॉय करेंगे। एक बार हमारे भाई दिखा देंगे आपको, मुकेश भाई पूरी कर। और इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं जो दिखाई मैंने आपको पीछे, ये है क्रोकोडाइल जो लेटे हुए हैं पानी से ऊपर, जो काले काले से दिख रहे हैं आपको। हो गया यहाँ पे भी होगा हमारे पास। और फ्रेंड्स ये जो शारदा बैराज है डैम, उसके नीचे आए से बोलते हैं चुका डैम ना, चुका आ गया है, चुका गलती हो गई है, चुका आ गया। हमारे लैंग्वेज में बता रहे हैं चुका जो डैम वो इससे भी बड़ा है, सॉरी ब्रिज है वो इसके आगे है। और ये पॉइंट चुका में, चुका में आता है ये। और यहाँ बगल में आपका ये जो साइड है ऊपर देख रहे हैं आप इक्विपमेंट, ये SHB कैम्प है, मतलब फसल सीमा बल का ये कैंप है यहाँ पे, पास ही नेपाल बॉर्डर है। और ये शारदा डैम है, और ये देखिए पानी इस तरीके से पानी चल रहा है। हमारे मुख्य का बहुत खुश, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारे मुख्य भाई कुछ बोलेंगे इसके, आज ये जर्नी हमारी हुई है, मज़ा आ जाएगा जो भी यहाँ पे आएगा। झूला पूरा पानी आ रहा है, सेल्फी भी बहुत बढ़िया आ रही है, फोटो बहुत बढ़िया आ रही है। ये मैंने आज तक अपने फेसबुक पर फोटो नहीं डाली, मगर आज भाई बोल रहे हैं कि फेसबुक फोटो अपलोड नहीं किया अब तक, लेकिन आज जो हमने कुछ फोटो क्लिक की है अच्छी स्कूल की, वो आज भाई हमारे अपलोड करेंगे अपने फेसबुक पर। और हमारे रविंद्र भैया, मतलब यहाँ पे इनकी ससुराल है, हमारे जो भैया हैं यहाँ पे इनकी ससुराल है। ये आपका ये इसमें जब खड़े हैं, ये पीलीभीत का क्षेत्र है पूरनपुर का, और डैम के बगल में जो ये पानी निकल रहा है बहुत तेज़ पानी की, पानी की क्वालिटी देख ही रहे हैं आप। और हमारे रविंद्र भाई कुछ बताएँगे अपने बारे में, इस जगह के बारे में कुछ जगह बताएंगे, चाहेंगे कि हमारे भाई कुछ बता रहे हैं। और हमारे मुकेश भाई दिखा रहे हैं आपको, देखिए फ्रेंड बहुत गजब का पानी है, बिल्कुल ब्लू पानी है, और बहुत मतलब जूम करके दिखा रहे हैं ये हमारे मुकेश भाई, ऐसे ही बहुत अच्छा बैराज है। आप देखिए फ्रेंड जी, और फोटो कैमरा, फोटो वाला कैमरा लगाओ ना फ्रेंड, मतलब हमारे भाई बोल रहे हैं कि बैक कैमरा लगा देंगे, मतलब रियर कैमरा लगा दीजिए। और अब हम यहाँ से फ्रेंड निकल रहे हैं, और काफ़ी मतलब यहाँ पे मज़ा आया, थोड़ा जो इजली हो गया। अभय भैया हैं ये हमारे, और साथ में जो हमारी टीम होती है ये हमारे अभय भैया। और भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद? हमारे खुद में आते नहीं, हमेशा बहुत मिला दिल यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले, इससे पहले हमारा जो ट्रिप था मुक्तेश्वर का, वहाँ पर साथ में हमारे अभय भैया थे, और जब हम लोग यहाँ पे आए हुए तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। और जो भी लाइफ का जो लाइफ का जो ये ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं मिला था, उसके हम लोग घूम रहे हैं और डिस्क्राइब कर रहे हैं ऊपर मगरमच्छ खुले में देखे। अब मतलब भैया बोल रहे हैं कि जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल होते हैं वो खुले में देखे गए हैं आज, धूप सेकते हुए और बैक साइड में। अभी दिखाया मैंने आपको, और फ्रेंड्स बता काफ़ी मज़ा आ रहा है, लाइफ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं, जो भी छोटा सा मतलब ब्रिज है चुका के नाम से, उसको देखेंगे बहुत लोग हो जाए यहाँ पे, बोलने काफ़ी मतलब खूबसूरत के आगे मिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत आपका ब्रिज है। और फ्रेंड्स चलते हैं और डिस्क्राइब करेंगे, और एक बार मैं उनके घर बोलने की दोबारा फिर दिखा दूँ में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे दर्शक हैं, एक बार देखिए फ्रेंड्स ये आपका बैराज है, छोटा सा बैराज।
लेकिन पानी तो बहुत गजब का है। अपना जब गाँव जहाँ घूमें सबसे बेहतर कैमरा करके, और अभी मैं कुछ और अच्छे अच्छे शॉट्स आपको दिखा देता हूँ इसमें बैराज के। बहुत ब्लू पानी मतलब होता है जिसमें एब्सेंट मात्रा ज़्यादा होती है, वही मतलब पानी क्वालिटी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं, आपको जो चूका बैराज था वो दिखा चुका मैं आपको सारा बैराज, और आगे चलते हैं और जो आगे आगे चूका के नाम से जो ब्रिज है बहुत बोलते हैं खूबसूरत है, उसे दिखाता हूँ आपको। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए फ्रेंड्स, आइए चलो। जानवर दिखते हैं टाइम से ही आ रहा है। रहा चूका जाने का रास्ता जो बैराज है चूका जाने के लिए, और ये सगर बगल में जो आपका बैराज था उधर से होते हुए रोड है आपकी, थोड़ी सी अच्छी नहीं है लेकिन मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज। धूल भी है थोड़ी बहुत, ये जंगल का एरिया है, यहाँ रात में जानवर आ जाते हैं। अभी जानकारी दी थी तो कुछ लोगों ने बताया कि जानवर आ जाते हैं यहाँ पर, इसलिए टाइम से आना होगा हमें। यहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है चूका ब्रिज, हाँ चूका ब्रिज,